अध्याय 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। इसमें तो हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहरेते रहें, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा दाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम डाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर ना दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।